अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से पता नहीं कहाँ पहुँच गई हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बताती जाऊँगी। अभी तो मैं ये छोटी सी आपको वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बेटी के घर पे आई हुई हूँ। बेटी नाश्ता बनाने लगी थी, मैंने कहा ज़रा छोड़ो मैं खुद थोड़ा सा बना लूँ, तो आपके साथ ज़रा शेयर कर लूँ, दिखा दूँ। मैं कोई ख़ास रेसिपी नहीं बनाऊंगी, मैं आपको थोड़ा से बस दिखाऊंगी और आपने मुझे बताना मैं कहाँ आ गई हूँ। ठीक है, चलें आई। चलें जी, चूल्हा गर्म हो गया। ये पाकिस्तान का और सिस्टम है, यहाँ का और सिस्टम है। तो ये देखिए ना कितनी आसानी है। इधर मैंने कहा वो बनाने लगी थी नाश्ता, मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। आप भी सोच रहे होंगे आप ही जी कहाँ पहुँच गई है। बस कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो अभी कुछ ठीक नहीं है। बस आस्ता आस्ता ठीक होगी, मैं आपको दिखाती जाऊँगी, मगर आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि ये आप कहाँ हैं। ये अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि रोज़े तो ख़त्म हो गए हैं, ज़रा वीकनेस भी हुई होगी, तो मगर फिर भी दिमाग से ज़ोर डालें कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, ठीक है। ये वहां पर तो ईद हो गई है, आप सब खुश ही होंगे। रोजे रख के तो बंदे का बस हाल बुरा ही हो जाता है। तो वहां पर मैं वो यही हैरान हूँ, चाय भी ऐसे बना लेते हैं वहां पे, पतीलियां गरम पका पका के जला देते हैं। तो इधर तो बहुत चीजें इजी है। ना पतीली में पानी डालना, ना पक पक के पतीली भी काली हो जाती है। चाय बनना इधर कितना इजी है, पानी किया तो पत्ती डाल दी, चलोगी इधर आराम ही आराम है। ये ले जी, मैंने इसमें पत्ती डाल दी है कप में, अब पानी डाल रही हूँ। तो अब आपने एक मिनट इसको रखना ज़रा दम के लिए, फिर उसके बाद हम ना इसमें दूध डाल लेंगे। चलिए, इसमें मैंने अब दूध डाल दिया है, अब चीनी डाल दूँगी। मेरा नाश्ता तैयार हो गया, तो चलें फिर। अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ, आप देखें और सोचते रहें कि ये कौन सी जगह है। ठीक है, चलें मेरा नाश्ता तैयार हो गया, आपने करना तो आ जाए।